नमस्कार। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बेचारे बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एज पर दी एनएमसी ऑफिशियल गैजेट 14 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होनी थी, है ना, जो कि लास्ट गैजेट आया था। और स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस काफी स्मार्ट प्ले कर रहे हैं और वो बहुत लोगों को मैसेजेस भेज रहे हैं, रिवर्स मैसेजेस भेज रहे हैं कि हम कॉलेज स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं हमेशा लोगों को सांत्वना देता हूँ, तो पहले आपको समझाता हूँ मैं। एनएमसी का गैजेट तो सबके लिए सेम था, और प्लीज मतलब जिसको भी अभी तक सरकारी सीट मिली है वो प्लीज कमेंट करके बताएं क्या उनके कॉलेज से कोई मेल आई है कि 14 फरवरी से क्लास स्टार्ट है। अभी तक मैंने एक भी सरकारी कॉलेज का नहीं सुना, जो हमारे क्लाइंट्स हैं या बाहर वाले, कि भाई मैंने को फर्स्ट राउंड में मैंने लेडी हार्डिंग लिया था या मौलाना आजाद लिया था या एसएमए जयपुर लिया था, तो वहां से कहा जा रहा है कि जल्दी से आके ज्वाइन करो, क्योंकि एज पर एनएमसी हमें 14 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट करनी है। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। प्राइवेट या ड्यूड से आपको मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें भी अलग अलग कुछ कॉलेज जो बहुत प्रोएक्टिव है उन्होंने 14 तारीख को प्रेशर डाला है। अभी मेरे पास आया किसी बेचारे बच्चे का घबराई हुई थी, उसका 15 को आया है। कुछ ड्यूम यूनिवर्सिटीज का अभी तक 21 का आ चुका है। तो जिसको जो सूट कर रहा है वो आपको प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, इस बात को ध्यान रखिए। और हाँ, जो लेटेस्ट जो, तो पहले मैं एक एक इंडिविजुअल को सांत्वना दे रहा था या समझा रहा था, मैं वीडियो बना देता हूँ। और जो अभी भी आया है 15 तारीख का, मैं कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, थोड़ा एम्बैरेसिंग हो जाएगा। उन्होंने तो पूरा टाइम टेबल भी दे दिया है कि भाई जब आप लोग ज्वाइन करोगे 15 तारीख से तो आपको क्या क्या करवाया जाएगा अगले 6 दिन तक। उसका नाम भी दे दिया है फाउंडेशन कोर्स, जो कि असली में कुछ भी ऐसा नहीं होता है। तो आपको 6 दिन का फाउंडेशन कोर्स कराया जाएगा, उसके बाद फिर ऐसी जैसे देखिए मैं समझता हूँ, तो मैं बार-बार लोगों को कहता हूँ कि मैं सिर्फ MBBS कंसल्टेंट नहीं हूँ, हम बहुत कुछ काम करते हैं। और एजुकेशन इंडस्ट्री एक्चुअली सही शब्द है नहीं, एजुकेशन फील्ड, लोगों को ठीक से गाइड करना, एजुकेट करना मेरा एक पैशन है। तभी मैंने अपनी कॉर्पोरेट लाइफ छोड़ के कंपनी स्टार्ट की थी, और काफी सीनियर जॉब में करता था किसी और फील्ड में। तो एजुकेशन में मैंने सब देखा है, सिटिंग ऑन दी अदर साइड ऑफ द टेबल, कि आपको पुश करना है बच्चों को, प्रेशराइज करना है। तो आप कभी भी किसी भी कोचिंग सेंटर में जाएंगे, किसी कौन सा कब बैच चालू होने वाला, बोले कल से चालू होने वाला है, कल चालू हो चुका है, तो आप अभी कभी फीस दीजिए ताकि आपकी क्लासेस लगाएं। जब फीस दे देते हैं आप, तो पता चलता है कि अभी तो 10 दिन तक दो, लेकिन फिर भी उनको आपको बिजी रखना है, तो एक दो क्लासेस देते रहते हैं। ये बड़ा ही स्टैंडर्ड पैटर्न है। तो यही ये प्रेशराइज कर रहे हैं आपको। एनएमसी की इतनी चिंता होती है तो बताइए एक भी सरकारी कॉलेज क्यों नहीं इतना प्रेशर डाल रहा है, क्यों नहीं अपना बेस्ट स्टार्ट कर रहा, राइट? तो ये प्राइवेट डीम्ड इसलिए करना चाह रहे हैं, देखिए जितने भी अच्छे प्राइवेट टीम है उनको मालूम है कि सीट तो फिर भी भर जाएगी। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि सर KSE प्रेशर क्यों डाल रहे हैं या JLN बेला का भी क्यों डाल रहे हैं, उससे क्या पड़ी है, अभी नहीं तो राउंड टू में उसकी सीटें भरी जाएंगी या मॉपअप में भरी जाएंगी। मैंने कहा नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद फिर आप फिनांस नहीं समझते। सारे प्राइवेट कॉलेज, सारी डीम यूनिवर्सिटीज बहुत प्रेशर में है। अब समझिए बात को, हम बाहर से जो मर्जी बोले देखे, उनका तो बिजनेस ही है ना। ये सरकारी कॉलेज की बात छोड़ी, वो तो सरकारी ग्रांट पे चल रहे हैं जो हम लोग टैक्स पे करते हैं। बट प्राइवेट कॉलेजेस, डीम यूनिवर्सिटीज सेल्फ फंडेड हैं। जो बच्चे फी पे करते हैं, जो बच्चे आप हॉस्टल की फीस पे करते हैं, उन्हीं से पूरे कॉलेज चलते हैं, स्टाफ की सैलरीज आती है, प्लस ऑफकोर्स मेन लालाजी प्रॉफिट भी कमाते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कमाते हैं जो वो कुछ सीटों के साथ कर पाते हैं, खासकर NRI या PWD सेक्टर की सीट जो लास्ट में कन्वर्ट होती है, हम भली बात ही जानते हैं। अब आप सोचिए 2020 का बैच भी लेट आया था, पर ठीक है वो आ गया। 2021 की बात करें तो देखिए इन लोगों को आदत है, हर साल एक फीस आती थी अगस्त सितंबर में इनके पास, हॉस्टल की फीस आती थी, सिक्योरिटी मनी आती थी, वो फरवरी आ गया अभी तक वो फीस आई नहीं है। लेकिन जो इनके खर्चे हैं, देखिए जो प्रोफेसर है जो फर्स्ट ईयर को पढ़ाते हैं वो तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर को पढ़ाते हैं, और एक कॉलेज से डीम्ड ऐसा तो कर नहीं सकते ना, चूंकि फर्स्ट ईयर लेट हो रहा है तो कुछ ऐसे प्रोफेसर जो सिर्फ फर्स्ट ईयर को पढ़ाते हैं हम उनको निकाल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो उन लोगों की सैलरीज है जो लगातार जा रही है, तो इट इज बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो मतलब कैश करंट में जी रहे हैं। इसलिए जो भी आपको 14 तारीख को बुला रहा है वो साथ में ये भी तो कह रहा है ना, क्योंकि अभी तक आपने कहीं पर भी हॉस्टल में से सिक्योरिटी चार्ज नहीं दिए, राइट? वो सब हमें देना था कॉलेज में जाके ज्वाइन करने के बाद। अब जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपने 3 चीजें दे दोगे, तो वो जो 6-7 लाख रुपए पर बच्चा है, तो देखिए 100 बच्चों में वो 6 करोड़ रुपए की कलेक्शन हो जाती है ना। और वो कलेक्शन काफी इन बेचारे में तो बोलो कॉलेजेस के पुराने बिल चुकाने में हेल्प होगा।
तो इसलिए वो प्रेशर डाल रहे हैं जो टॉप के कॉलेज हैं, जो थोड़े नीचे के कॉलेज हैं। देखिए मैं बाबर खुला बोलता हूँ कि जब से नीट क्वालिफाई का रोल आया तब से MBBS इंडिया बहुत चेंज हो गई है, और मैं उनको लोगों को भी समझा दूँ जो मेरे पास आते हैं जिनको पास 10 साल प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है। तो एक पेरेंट आता है जिसे खुद बेचारे कुछ नहीं पता, उसका कोई दोस्त था जैसे अपने बच्चे का 10 साल पहले कराया था। 10 साल पहले MBBS इंडिया में एडमिशन करना बड़ा ही टेढ़ी हीर थी, और सच बताऊं कुछ उस जमाने के कंसल्टेंट थे जिन्होंने एक एक साल में करोड़ों रुपया कमाया है। और जब से ये प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, उन कंसल्टेंट ने काम ही छोड़ दिया। मैं कई लोगों का ऐसा जानता हूँ, कहते सर कुछ मजा ही नहीं आता, तो मेहनत का काम बचा है जो आप जैसा बंदा करता है। हमें तो मजा आता था, साल में 10 एडमिशन कराते थे, 3 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए अंदर कर लेते थे। जी हाँ, 10-20 एडमिशन करा के वो कंसल्टेंट मतलब करोड़ों रुपए अंदर कर लेते थे, क्योंकि एक एडमिशन पे आप 5-5 लाख रुपए कमाते थे। तो ये आप एक लोगों को आदत थी, और वही ये परसेप्शन चलता आ रहा है। नीट के आने के बाद तो काफी हद तक खत्म हुआ, प्रोसेस काफी ट्रांसपेरेंट हो गई, ऑनलाइन काउंसलिंग होने लगी, और फिर उसके बाद नीट क्वालिफाई का जब से रूल आ गया तो आधे बच्चे कॉम्पिटिशन के बाहर हो गए। तो आपने DMB कट ऑफ में देखा ही होगा कि सीट तो 140 नंबर वाले के लिए भी अवेलेबल है। ऑफकोर्स UP के प्राइवेट में नहीं मिली, हरियाणा के प्राइवेट में नहीं मिली। बजट इज एन इशू, सीट इज नॉट एन इशू, राइट? तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो इंडिया के किसी ना किसी कोने में आपको MBBS सीट तो मिल ही जाएगी। तो इस वजह से कुछ कॉलेजेस हैं जिनकी फीस ज्यादा है या क्वालिटी बहुत ही खराब है, जिनकी सीटें अब नहीं भरती हैं, और उनको भी चिंता है कि जितना जल्दी माल अंदर आ जाए उतना अच्छा है। तो वो भी चाहते हैं कि बच्चे जिन्होंने भी एडमिशन फिलहाल लिया है वो एग्जिट ना करें, अपग्रेड में ना जाए और वो हमारे पास ही फंस जाए। तो वही सब आपको प्रेशर डाल रहे हैं, प्रेशर की चिंता मत कीजिए। जो मैं आपको समझा रहा हूँ बार बार, ढंग से पढ़ाई 1 अप्रैल से पहले चालू नहीं होगी। तब तक ये लोग 1.5 महीना वही टाइम पास करते रहेंगे, यहाँ वहाँ की लेक्चर करा के दिन में 2, ताकि आप लोग हॉस्टल के पैसे एक्सेट्रा दे दीजिए। क्योंकि सबसे बड़ा मैं बाबा लॉजिक बता रहा हूँ, क्या किसी सरकारी कॉलेज ने ऐसी चिट्ठी मैसेज भेजा है कि आओ आपकी क्लासेस स्टार्ट करवानी है? NMC का वो टाइमलाइन तो सब पे लागू है ना। और कहीं तो देखो ना, हरियाणा स्टेट ऐसा है कि मतलब एक ही यूनिवर्सिटी है या UP में, वही सरकारी कॉलेज में वही प्राइवेट में। तो ये तो है नहीं कि प्राइवेट वाले पहले पढ़ लेंगे, पहले पेपर दे देंगे, पेपर तो यूनिवर्सिटीज कंडक्ट कराएंगी। तो कुछ नहीं होगा ऐसा, शांति से बैठिए, आराम से बैठिए। और हमारी अभी प्रीमियम काउंसलिंग सर्विसेज लेना चाहते हैं, अभी तो विशेष सीजन स्टार्ट ही हुआ है और मार्च एंड तक चलेगा। तो कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, फर्स्ट राउंड तो हो चुका है, सेकंड राउंड मॉप अप तक जाने के लिए फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस 9643362320। आप मेरा नंबर जानते ही हैं, मैम से बात होती है पहले, आप एक नॉमिनल अमाउंट देते हैं 1500 रुपये का मुझसे बात करने के लिए, एंड देन वी फाइनलाइज कि आपको कौन सा पैकेज सूट करेगा। And I think it's a very fair process. So feel free to get in touch with us if you really want to take our premium paid services. उसके अलावा जो मैं YouTube पे आपको बता रहा हूँ वो सुनिए, और उसी से आप सीख सकते जितना सीख पाए। धन्यवाद।